कोरोना महामारी के सुरक्षा हेतु केंद्र राज्य सरकार ने चलाए गए कोविड टीकाकरण को सावनेर शहर की जनता ने अच्छी तरह से साथ देकर अब तक शहर में लगभग 90% टीकाकरण पूर्ण होकर बकाया 10% लोगों को भी आगामी 21 नवंबर तक टीका लगाए जाने की बात नगर परिषद सावनेर की मुख्याधिकारी हर्षला रानी ने कही। उसके लिए शहर में 2 स्थायी तथा 1 मोबाइल टीकाकरण वैन बनाकर नगर परिषद कर्मचारी तथा स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हर घर पहुंचकर टीकाकरण कर रहे हैं। वही मुख्याधिकारी हर्षला रानी ने जनता को संदेश देते हुए कहा कि हमने पहले ही 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग और लगभग 60 से ऊपर की 90% आबादी को टीकाकरण का लक्ष्य पूरा कर लिया है। जिन लोगों का टीकाकरण होना बाकी है उन्हें सुभाष स्कूल और भालेराव हाई स्कूल में स्थायी तथा हमारे मोबाइल पर स्थायी टीकाकरण केंद्र से संपर्क करना चाहिए। सभी शहर वासियों, नगर सेवक, समाज सेवी तथा पत्रकार भाइयों से अपील की है कि कोरोना को हटाने के तथा शहर को कोरोना मुक्त कराने के लिए इस लड़ाई में आगे आए। नमस्कार, मैं श्रीमती हर्षला रानी, मुख्याधिकारी नगर परिषद सावनेर। कोविड टीकाकरण मुहिम में सभी सावनेर वासियों द्वारा दिए गए सहकार्य के लिए उनका धन्यवाद देती हूँ। सावनेर की 90% जनसंख्या ने कोविड टीका लगाया हुआ है। अभी नगर परिषद की टीकाकरण मुहिम का लक्ष्य बची 10% जनसंख्या है, इसलिए मैं शहर के प्रतिष्ठित नागरिक, व्यापारी संगठन तथा सामाजिक संगठनों को आगे आकर 100% टीकाकरण के उद्दिष्ट पूर्ति के लिए नपा का सहयोग देने का आह्वान करती हूँ। धन्यवाद। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए किशोर ढूंढेले, सावनेर।